न्यूज 24 हिमाचल देख रहे हैं आप, और ये सीधी तस्वीरें शिमला से हम आपको दिखा रहे हैं। शिमला का बहुत पुराना स्कूल दयानंद पब्लिक स्कूल, दरार पड़ी हुई है। हालांकि शासन की पूरी नजर इस पर जरूर है। जिला प्रशासन की हम बात करें और स्थानीय विधायक हरीश नाथा भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से ये बारिश का कहर यहाँ पर बरपा हुआ था पिछले 3-4 दिनों से, और विभाग शिमला में जिस तरह से सिग्नल की प्रॉब्लम चल रही है, लाइव स्ट्रीम में जरूर दिक्कत आती है, जिस तरह से विभाग या प्रशासन के अधिकारियों का विभाग के अधिकारियों का कहना है 3-4 दिनों से जो बारिश का कहर चल रहा था, ऐसे में कोई कार्य करना भी बेहद मुश्किल जरूर था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, अभी तो प्रशासन द्वारा शिमला में आज की भी छुट्टी की गई, स्कूलों को नहीं खोला गया है, लेकिन आने वाले दिनों में जो स्कूल खुलने हैं तो कहीं ना कहीं अभिभावक है लगातार, अगर हम बात करें अभिभावक के हमें भी कॉल आ रहे हैं और कहीं ना कहीं डरा हुआ महसूस जरूर अभिभावक कर रहे हैं, जिस तरह से हादसे शिमला में देखने को मिले हैं। अभी अगर हम बात करें हिमलैंड की, वहाँ पर भी जो मशहूर स्कूल एडवर्ड स्कूल है, उसके पीछे जो 6 मंजिला भवन है वो गिरने की कगार पर है। प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा वहाँ पर भी रोड को बंद किया गया है। तो ये दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला का बेहद पुराना स्कूल, बेहद बड़ा स्कूल, अगर हम आपको बताते चले लगभग 1800 से 2000 छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं जो अभिभावक है उनके मन में जरूर जो शंका है, डर का माहौल जरूर बना हुआ है। तो ऐसे में इस समय जरूर अपील ये बनती है सरकार से, प्रशासन से, कि जितने भी स्कूल है, अगर हम बात करें शिमला की या ग्रामीण शिमला, जिन जिन जगह पर ये कहर बरपा हुआ है, जरूर एक कमेटी गठित की जाए इंजीनियर लेवल की, और इन सभी स्कूलों को पहले चेकिंग की जाए और देखा जाए कि कोई खतरा वहाँ पर नहीं है। उसके बाद ही अगर ये स्कूल खोले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो देश का भविष्य है, जो छात्र है, वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बच्चों का स्कूल में जो पढ़ने बच्चे जाएंगे उनका जो सुरक्षा है वो सबसे पहले देखने वाली चीज़ जरूर है। तो ऐसे में अगर कोई भी फैसला जिला प्रशासन लेता है तो सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला जरूर लेना होगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। और हम आपको बताते चले लगभग 1800 से 2000 तक के जो छात्र है स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, और ये निचला पोर्शन है, हालांकि ऊपर का पोर्शन सेफ बताया जा रहा है, यही नीचे वाला जो पोर्शन है, और अभी बारिश के चलते काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, मलबे को हटाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर वॉल का काम जारी होना है, उसके बाद ही कहीं ये सेफ हो पाएगा। और ये जो नीचे वाला भवन है, हालांकि अभी तो ये खाली है, लेकिन जो इस पर दरार आई है उस दरार को भी दुरुस्त करना होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें शिमला की, शिमला के स्कूलों को खोलने के निर्णय की, अभी तक तो जिला प्रशासन द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं स्थानीय प्रशासन द्वारा वो बिल्कुल सही लिए गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 1-2-3 दिनों की अगर हम बात करें स्कूलों को खोलने के निर्णय अभी और होने हैं, तो सोच समझ कर ही निर्णय लेने होंगे। वस्तु स्थिति का जायज़ा पहले जरूर लेना होगा, चाहे ये तो शहरों के स्कूल है, अगर हम एडवर्ड की बात करें, दयानंद पब्लिक स्कूल की बात करें, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उन सभी स्कूलों का अगर निरीक्षण किया जाता है स्थानीय प्रशासन द्वारा कमेटी बनाकर, उसके बाद ही स्कूलों को खोलने के जो है आदेश यहाँ पर जारी होने चाहिए। कहीं ना कहीं जो अभिभावक है, लगातार अभिभावक भी जो डर के माहौल में है कि स्कूलों में बच्चों को भेजना है, जिस तरह से हादसे शिमला में हुए हैं तो जरूर ये डर का माहौल भी बनता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोच समझ कर निर्णय प्रशासन को भी लेने होंगे। हालांकि यहाँ पे त्रिपालें जरूर लगी है प्रशासन द्वारा, और जो स्लाइड पहले हुआ था उतना ही स्लाइड है, कोई स्लाइड बड़ा भी नहीं है, लेकिन खतरा जरूर है, खतरे की जद में स्कूल का ये निचला हिस्सा जरूर दिखाई दे रहा। तो देखते रहे न्यूज 24 हिमाचल, फिर से मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।